करें तो बेशर्म तो कहीं पे भी मिलते हैं। जैसे उनकी बेशर्मी का तो अंदाजा हो ही गया कि किस तरीके से पहले तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट के तौर पे बुचर बोला, पहले तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें बोली यूएन में, फिर जाके वो बेशर्म वही बेशर्म मुंह लेके जो है इस मीटिंग के लिए गए, तो उसे क्लियर कट दिखता है। तो वो जो इंसान दो चीजें एट ए टाइम यू नो दो रवैये रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, एजुकेटेड है, हमारी यूथ समझ रही है। और सेकंड आपने फ्रीडम की बात की, तो फ्रीडम तब से ही था जब से महात्मा गांधी ने यहाँ पे फ्रीडम लाया था, जब से हम ब्रिटिश रूल से, जब से हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे, तब से ही इंडिया में फ्रीडम था और अब भी इंडिया में फ्रीडम है और मरते दम तक इंडिया में फ्रीडम रहेगा। श्योर अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्योंकि मीडिया जो बोले जरूरी नहीं, आपका मीडिया आपको अगर कोई बात बताता है तो आप लोग 110% उससे एग्री कैसे कर सकते हैं? देखिए 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 सुनिए बात, आपका मीडिया जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल मीडिया भी बोले। इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज पे रिसर्च कर चुकी है, आप न्यूज़ें देखिए, आप देखिए, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे क्लियर कट जो है, हम लोग इल्जाम नहीं देते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, हमारे पास प्रूफ होता है। आपकी कंट्री ये दावा करती है कि हमें कश्मीरियों से मोहब्बत है, तो भाई ये कौन सी मोहब्बत है कि आप बॉर्डर से ड्रग्स भेजोगे, आप वेपन्स भेजोगे, आप किसी छोटे से बच्चे को थ्रू टेररिस्ट, किसी छोटे से बच्चे को 15 साल 14 साल बच्चे को हाथ में उनके स्टून्स थमा के उनको दहशतगर्दी की ओर भेजोगे। और अगर कोई जर्नलिस्ट यहाँ कश्मीर वैली में अपने हुब्बुल वतनी के होने का दावा करता है, अपने हुब्बुल वतनी के होने का जज्बा दिखाता है और वो एक आर्टिकल लिखता है, तो उस बारे में क्या किया जाता है, उस बारे में पाकिस्तानी दहशतगर्द, एक खुफिया दहशतगर्द उनकी टारगेट किलिंग करता है, ये कौन सी इंसानियत है आप मुझे बोलो। भुट्टो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट की थी बाय कॉलिंग हिम अ बुचर, और आज वो इंडिया के बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, इंडिया में रह के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने एसईओ की मीटिंग ये की, इवन आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तो इट्स कॉल्ड दोगलापन, जो हर पाकिस्तानी के मन में होता है, सॉरी आप भी पाकिस्तानी हो, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से वो दोगलापन था उस टाइम पे, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुरेदा, उस टाइम पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके वर्क वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में 1.5 अरब की आबादी है, कहीं पे कोई अटैक हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई फसाद हो रहा है, जैसे भी पुंछ अटैक हुआ या कहीं पे कुछ भी होता है, तो क्या 110% हर दफा पाकिस्तान है रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो सकता है? माइट पॉसिबल देखिए पाकिस्तान जैसे जो ही कहते हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। हमारे देश का चाहे छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, चाहे कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो या छोटे से छोटा आम आदमी हो, हम उस इंसान की कतई इज्जत नहीं करेंगे, हम उस इंसान की कभी इज्जत नहीं करेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे कंट्री के असूलों, जो हमारे कंट्री के देशवासियों के साथ खेले और जो मुल्क दहशतगर्दी को बढ़ावा दे। जय शंकर जी जो वहां वेलकम करने के लिए सारे मिनिस्टर्स को खड़े हुए थे, उन्होंने एक छोटी सी स्माइल दी, उसके बाद नमस्ते बोला और फिर सीरियस एक्ट स्टार्ट कर दिया। मुझे बताएं इस तरह का वेलकम इंडिया की जानिब से क्या गेस्चर पोर्ट्रे कर रहा है, क्या वजह थी कि उन्होंने सिर्फ इतनी सी स्माइल दी और नमस्ते बोल के खत्म किया? देखिए सबसे पहले आपने एसईओ मीटिंग की बात छेड़ी और उसके बाद ही आपने जयशंकर जी का बोला, तो आपको भी पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। जो पाकिस्तान इस टाइम पे अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि हम फ्रेंडली रिलेशंस इंडिया के साथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ से बात करें, हमारे सीमाओं पे जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो लगातार पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी टेररिस्ट हैं, आप देख सकते हो बारामूला में भी तसादम चल रहा है जो कि हमारे कश्मीर का एक पार्ट है, बारामूला पुंछ राजौरी पुंछ अटैक में भी हमारे 5 जवान शहीद हुए, तो वहां पे भी लश्करे तैयबा की जो है, जो कि पाकिस्तानी एसोसिएटेड मिलिटेंट्स द्वारा जो है वहां पे अटैक्स हुए और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। और अगर बात करेंगे बारामूला की, तो बारामूला में भी आज इनकाउंटर चल रहा है बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान के दहशतगर्द है। और वही बात करें बॉर्डर इलाके टीटवाल की, तो कुछ दिन पहले वहां पे इनकाउंटर चल रहा था, किस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ से तो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, एक तरफ से तो वो इंडिया अपने दहशतगर्द भेज रहा है, चाहे लश्कर तैयबा के हवाले से बात करें या फिर और किसी तंजीम के हवाले से बात करें, मिलिटेंट की तंजीम, उनकी फंडिंग के लिए, उनके टेररिज्म के लिए, उनको
कौन सपोर्ट कर रहा है उनको, कौन आगे बढ़ावा दे रहा है, दहशतगर्दी को कौन आगे बढ़ावा दे रहा है, ये बाकी नेशंस भी जानते हैं। तो जयशंकर जी को ये बात बखूबी पता है, नॉट ओनली जयशंकर जी, एवरीवन नोज, एवरी कंट्री नोज, एवरीवन नोज इन इंडिया के पाकिस्तान कैसे क्या डिप्लोमेसी, कैसे क्या प्रोपेगेंडे चला रहा है। तो भाई अगर आप देखो, अगर आपके मुल्क में खून रेजी हो रही है, अगर आपके जवान शहीद हो रहे हैं, और जिन लोगों के प्रोपेगेंडे से वो शहीद हो रहे हैं, जिन लोगों की दहशतगर्दी, जिन लोगों के इरादे में ही दहशतगर्दी है, वो लोग क्या ही कुछ हमारे लिए फ्रेंडली रिलेशंस हमारे साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक डॉक्टर जयशंकर जी, आपने देखा भी होगा कि वाहिद दो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स थे जिन जिनके साथ उनका कुछ रवैया, वैसे तो उन्होंने ठीक से ही रिएक्ट किया जैसे उनको करना चाहिए, आई रियली अप्रिशिएट them, because अगर शायद मैं होती, हर एक इंडियन के दिल में एक खून खोलता है जब भी हमारे भारत के जितने भी हमारे सोल्जर्स है कि किस तरीके से वो हमारी हिफाजत करते हैं और अपनी जाने निछावर करते हैं अपने वतन के लिए, तो उनमें भी वही एक गुस्सा होगा कि एक तरफ से तो यार ये सीमाओं पे टेररिस्ट फेंक रहे, एक तरफ से तो सीमाओं पे यार ये दहशतगर्दी फैला रहे, तो दूसरे किस्म से बोल रहे हैं कि हम फ्रेंडली रिलेशंस बरकरार कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग, आपने देखा भी होगा कि आपने पिछला यूएन का इंटरव्यू आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो का, किस तरीके से उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की वहां पे एक तरफ से इंसल्ट की थी, उन्होंने को बुचर कह के पुकारा था। तो आई थिंक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे, हमारे देश का चाहे छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, चाहे कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो या छोटे से छोटा आम आदमी हो, हम उस इंसान की कतई इज्जत नहीं करेंगे, हम उस इंसान की कभी इज्जत नहीं करेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे कंट्री के असूलों, जो हमारे कंट्री के देशवासियों के साथ खेले और जो जो मुल्क दहशतगर्दी को बढ़ावा दे, हम उसके साथ कैसे ही क्या अच्छा रवैया दिखाए। आयका, here I'm having a question के अभी आप लोगों के पास, इंडिया के पास इस दफा एक बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स को जो है हेल्ड करवाने जा रहा है और करवा भी रहा है करंटली इन इंडिया। मुझे बताएं क्या पर्सनल ग्रजेस जो जितने भी थे आज तक चलते आए थे जिस जिस मुल्क से, उन तमाम का बदला लिया जाएगा इन मीटिंग्स में आपके मिनिस्टर्स की जानिब से? देखिए, बदला तो नहीं लिया जाएगा, इवन बदला किसी भी चीज से, तो कि ऐसे गेस्टर्स इसी तरह की कोई चीज पोर्ट्रे करेंगे ऑडियंस के माइंड में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने वेलकम उनका किया, वैसे तो अगर पर्सनल ग्रजेस को देखा जाए, पर्सनल ग्रजेस का आपने बहुत सारे पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए हैं, चाहे पुलवामा अटैक की बात की जाए, कारगिल वॉर की बात की जाए, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने टेरर अटैक्स किए तो उनका बाज़ाब्ता यहां से जवाब मिला। ऐसा नहीं है कि पर्सनल ग्रजेस का आज जवाब दिया जाएगा, जवाब तब भी दिया गया था, जवाब आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जवाब तब तब दिया जाएगा जब जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमले करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, उन्होंने चाइना को भी बहुत कोल्ड वेलकम किया है, चाइना ने तो हमले नहीं किए, चाइना के साथ तो और कुछ देखिए, चाइना ने हमले नहीं किए, लेकिन चाइना ने दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान का भरपूर सपोर्ट किया है। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से, किस प्रकार से चाइना जो है लद्दाख के मसले को कुरेद रहा है, वो वहां पे दावा कर रहे हैं, आपके गांव ये ब्यूरोक्रेट्स वहां से दावा कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो वहां के ब्यूरोक्रेट्स दावा कर रहे हैं कि लद्दाख हमारा है। भाई आप मुझे बोलो, आपने विरासत में लिया था कश्मीर को, या आपने लद्दाख को विरासत में लिया था? इट इज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एंड सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो कि पर्सनल ग्रजेस को रखा जाएगा, तो आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से एसईओ मीटिंग में भरपूर जो है फैक्ट्स पे बात की गई। वहां पे हमारे जयशंकर जी ने क्लियरली बोला, क्लियरली, क्योंकि एसईओ मीटिंग एक अमन सुकून के लिए थी। भाई जब अमन सुकून आप कायम करना ही नहीं चाहते हो, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमन सुकून चाहती ही नहीं है, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद ही अपने रिलेशंस इंडिया के साथ खराब किए थे, जबकि आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई थी, जबकि 370 और 35 की एब्रोगेशन हुई थी, जबकि एक तरह से आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं ये जताने के लिए कि हम फ्रेंडली रिलेशंस कायम करना चाह रहे हैं, तो भाई आज ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं हमारे सीमाओं पे, बॉर्डर्स पे, अभी अभी इनकाउंटर चल रहा है टीटवाल करना साइड से, बारामूला से, राजौरी से, तो वो क्या है? तो वो आप मुझे बोलिए उसी चीज को लेकर के डॉक्टर जयशंकर जी ने, आपने वो स्पीच भी सुनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने बाकी मुल्कों से जितने भी वहां से फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, किस तरीके से उन्होंने
टेररिज्म पे चर्चा शाही की, किस तरीके से उन्होंने बोला कि टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो भी कंट्रीज टेररिज्म को बढ़ावा देती है उन्होंने एक बार क्लियर कट मैसेज में बोल दिया कि टेररिज्म को हमें बढ़ावा नहीं देना है, हम टेररिज्म जो भी मुल्क टेररिज्म को बढ़ावा देता है वो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस वो जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो लोग एक अटैक करेंगे तो उसका यहाँ से 10 बारी जवाब दिया जाएगा। और सेकेंड थिंग, उन्होंने अपनी बातों में क्लियरली बोला कि जो नेशंस टेरर फंडिंग्स करते हैं, जो नेशंस दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, वो भी बंद कर लेनी चाहिए। और इन्होंने एससीओ मीटिंग्स में कई डेलीगेट से गुजारिश भी की जो नेशंस ऐसा करते हैं उन पे सख्त से सख्त चर्चाशाही होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो है अमन सुकून फैलेगा। अमन सुकून ऐसे नहीं फैलता है कि आप एक साइड से एसईओ मीटिंग में जाओ तो दूसरे साइड से हमारे बॉर्डर्स पे जो है हमारे जवानों पे अटैक्स करो, उनको शहीद करो, टेररिज्म को बढ़ावा दो, अपने वहां से वो क्या बोलते हैं उनको, हिजबुल मुजाहिदीन या फिर जितने भी आपकी दहशतगर्दी तंजीमें हैं उनको बॉर्डर्स पे भेज के जो है हमारे यहाँ पे अमन सुकून, क्या अमन सुकून वहां पे कहाँ जाता है आपका अमन सुकून? आप ही लोग जो है टेररिस्ट को बेच के बॉर्डर्स पे हमारे कितने यहाँ पे कितने बॉर्डर्स पे जो है सिपाही शहीद होते हैं, तो तब कहाँ जाती है वहां की अमन सुकूनियत? और सेकंड थिंग, मैंने अभी जिन दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी के वहाँ एससीओ में जाने की बात हो रही थी और उन्होंने इरादा किया था कि वो वहां में जाके मीटिंग अटेंड करेंगे गोवा में, उन्हीं दिनों हिना रब्बानी पाकिस्तान से बिलोंग करती है, उनका एक आया था बहुत ज्यादा हाइलाइट्स में, उनकी एक स्टेटमेंट चल रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड कश्मीर इज नॉट इवन आवर प्रॉब्लम। तो हम लोग कश्मीर को ना ही तो मसला बना रहे हैं, ये यूएन की जिम्मेदारी है, वो जाने उनका काम जाने, हम लोग उसको लेके अब फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे चीजों को। उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट जिसकी तस्दीक हमारे और भी मिनिस्टर्स ने की, मुझे बताएं वो स्टेटमेंट क्या थी फिर? वो भी तो अभी इन्होंने बोला थे। देखिए, अगर आप रिबा की बात कर रहे हैं तो आपने ये भी स्टेटमेंट जानी होगी कि किस तरीके से यूएन में जो है पाकिस्तान को ये भी बोला गया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपनी सिक्योरिटी हटाओ। तो जब वो यूएन के उस मसले से ये जब वो यूएन के उस फैसले से सहमत नहीं है तो वो कैसे यूएन के दूसरे फैसलों से सहमत होंगे? और सेकेंड थिंग, जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी, सेकेंड थिंग मैं आपको एक बात बोलूंगी कि पहले बिलावल भुट्टो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट की थी बाय कॉलिंग हिम अ बुचर, और आज वो इंडिया आके ये बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, इंडिया में रह के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने एसईओ की मीटिंग ये की, इवन आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तो इट्स कॉल्ड दोगलापन, जो हर पाकिस्तानी के मन में होता है। सॉरी, आप भी पाकिस्तानी हो, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से वो दोगलापन था उस टाइम पे, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुरेदा, उस टाइम पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके वर्ड्स में पता नहीं क्या क्या था, बुच्चर था, वो था, ये था, टेरर अटैक्स इंडिया में होते हैं, गुजरात में ऐसा होता है, तो आज कहां से इंडिया अच्छा हुआ? तो सेम मैं यही बोलना चाहूंगी, आपके पॉलिटिशियंस ये बस एक दोगलापन है जो वो दिखा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आज हमारी इकोनॉमी डाउन है, हम टेक्नोलॉजिकली वीक है, हम इकोनॉमिकली वीक है, तो इट्स बेटर अगर हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, अगर इंडिया हमारी हेल्प करे, जबकि उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो आई थिंक ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक एक डिप्लोमेसी है जो शायद वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। फायका, आपने बोला कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को वहां अब ताल्लुकात अच्छे करने हैं, अवाम भी यही चीफ रही है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे करो, मगर पॉलिटिशियंस हैं कि अपने अनाप पेड़े में, यही तो मेजर मसला है कि वो ताल्लुकात ठीक ही नहीं करना चाहते, खराब कर देते हैं, फिर ठीक कर लेते हैं, फिर खराब कर देते हैं, फिर अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे, उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि उनको ठीक रखने हैं या उनको खराब रखने हैं। इस सिचुएशन को बीइंग एन इंडियन आप लोग किस तरह देखते हो? देखिए, अवाम तो हर जगह पे अच्छी है, अवाम पाकिस्तान में भी अच्छी है, अवाम इंडिया में भी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग आपकी अवाम में, कुछ पॉलिटिशियंस आपके कंट्री में, मैंने बार बार ही दोहराया है, जैसे कि हर एक पाकिस्तानी मैंने बहुत से पाकिस्तानी का इंटरव्यू, हाल ही में मैंने एक पाकिस्तानी का इंटरव्यू किया था, निमरा जी शायद, तो उनसे मुझे जानने को मिला कि हमें बचपन से ही यही चीज सिखाई जाती है कि कश्मीर में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में वैसा होता है, तो हमारे जहनों में वो चीजें बैठ गई है। तो जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होगा, आपने ग्राउंड लेवल पे भी काम किया होगा, किस तरीके से एक पाकिस्तानी का माइंडसेट है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
कई ऐसे इंटरव्यूज आए हैं कश्मीर से भी, इंडिया से भी, जहां पे फैक्ट्स पे बात की गई है और जहां पे फुल नॉलेज दिखाई गई है, लेकिन तब जाके भी आपके पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स मानने को तैयार नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ही बोलिए, इसमें आम जनता क्या कर सकती है? पिसती है तो एक आम जनता ही पिसती है, जैसे कि इस टाइम पे पाकिस्तानी अवाम पिस रही है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। तो जब वो अपने राइट्स पे बात नहीं कर पा रहे हैं, जब वो उस बढ़ती महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान में लगातार चल रही है, तो वो क्या ही कुछ अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बेहतरी उनकी क्या ही सुनी जाएगी? आप ही मुझे बोलिए, आप ही से मैं जानूंगी, क्योंकि यूजुअली अगर देखा जाए महंगाई भी वहां ही है, लोगों के साथ जुल्म जाती भी वहां ही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप देख सकते हो माइनॉरिटीज के साथ कैसे जुल्म जाती की जाती है, कैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट किए जाते हैं सिर्फ इस्लाम को मद्देनजर रख के। तो जो बेचारे लोग खुद अपने हकूक के लिए लड़ने में अभी नाकाम रहे हैं, वो कंट्री के रिलेशंस दूसरी कंट्री के रिलेशंस में बेहतरी कैसे ला पाएंगे? वो कैसे लड़ पाएंगे उनके लिए? उनको मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी, एज ए कश्मीरी, एज एन इंडियन, आप पहले अपने हक के लिए लड़ो, उसके बाद जो है आप अपने लिए सही रहबर चुनो, आप अपने लिए वही रहबर चुनो जो कि आपको टेररिज्म की तरफ ना लेके जाए, जो कि आपको दहशतगर्दी की तरफ ना लेके जाए, बल्कि कश्मीर के मसले को छोड़े, कश्मीर का कोई मसला नहीं है, इंडिया का कोई मसला नहीं है, बस जो कि आपकी कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान दे। बिकॉज यूजुअली पाकिस्तान में जिस प्रकार से डिप्लोमेसी पॉलिटिशियंस, पहले तो पाकिस्तानी लोग ये भी दावा करते हैं, आप मेरा इंटरव्यू चेक करना, वहां पे एक पाकिस्तानी गर्ल क्लियरली बोल रही है, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा फॉरेन मिनिस्टर उनको बनाया किसने, उनको तो कौमी लैंग्वेज नहीं आती है पाकिस्तान की, उनको तो उर्दू जबान भी नहीं आती है पाकिस्तान की, तो हाउ अ मैन कैन बी अ फॉरेन मिनिस्टर इफ ही डोंट नो हिज नेशनल लैंग्वेज, वो कैसे ही बन सकता है? तो आई थिंक इस बारे में लोगों का क्या ख्याल है? तो फायदा आपने अभी बात की पब्लिक की, और आपने बोला कि आपको पाकिस्तानियों से ही जानने को मिला कि बेस के अंदर जो है हेट्रेड डाल दिया गया है, और वही नफरत बच्चे लेके उनकी ग्रोथ होती है, नो डाउट, आई एग्री। ये चीजें हम भी इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी देखते भी आ रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने लोगों की सोच बदलने के इरादे के साथ साथ पहले अपनी सोच बदली। ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम बात करें इंडियंस की, तो मैंने इंडियन इंटरव्यूज भी देखे हैं जहां पे हमें बहुत सारे इंडियंस से भी ये सुनने को मिलते हैं, वी डोंट लाइक पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो है वो नफरत करते हैं, पाकिस्तान वाले बुरे लोग हैं, पाकिस्तानी वाले पाकिस्तानी जो है वो आके दहशतगर्दी फैलाते हैं। ऑब्वियसली इंडियंस तो नफरत करेंगे ही, भाई आप मुझे बोलो, आप आई एग्री, लेकिन देखो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल पूरे हिंदुस्तान में 1.5 अरब की आबादी है, कहीं पे कोई अटैक हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई फसाद हो रहा है, जैसे भी पुंछ अटैक हुआ या कहीं पे कुछ भी होता है, तो क्या 110% हर दफा पाकिस्तान है रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो सकता है? माइट पॉसिबल। देखिए पाकिस्तान जो ही कहते हैं ना, अतीक अहमद का मर्डर हुआ, मुझे बताएं, एक मैं हैरान हूँ कि अतीक अहमद का मर्डर क्यों नहीं डाला गया पाकिस्तान पे, वरना शायद वो भी डाल देते कि ये भी पाकिस्तान ने करवाया। देखिए आप अतीक अहमद की शायद हिस्ट्री नहीं जानते, उनका मर्डर नहीं हुआ है, उनका एनकाउंटर हुआ है, पहली बात तो ये, आप पहले फुल न्यूज़। अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हुआ है, अतीक अहमद के भाई, अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, और जब जब आप उनसे आप अतीक अहमद की हिस्ट्री भी जानते होंगे कि वो एक एक मर्डरर थे, वो एक क्रिमिनल थे, तो किस तरीके से, किस प्रकार से जो है पुलिस ने उसका स्टेटमेंट दिया है आपने भी देखा होगा। सेकंड थिंग, आप बात कर रहे हैं कि 110% की हर बारी पाकिस्तान की गलती नहीं होती है, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि वही पाकिस्तान जिसने बहुत सारे ऐसे इश्यूज किए हैं, देखिए देखिए क्लियर कट, यहाँ पे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, यूएसए है, दुबई है, अरब एमिरेट्स है, जिन जिनसे हम हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात है, तो वाई ओनली पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो हर टाइम पे यूएन में जाके, या दो ऐसी कंट्रीज है जो कि हमेशा भारत की मुखालफत करते हैं, तो इस वजह से जाहिर सी बात है हम लोगों में पेट्रियटिज्म है, हम लोगों में अपनी वतन के लिए, हम लोगों में होपफुल वतनी है, तो हम एज एन इंडियन, हम एज एन इंडियन कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हमारे इंडिया में जो है जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे कश्मीर में, अगर कश्मीर की बात करें तो मीज ए कश्मीरी एज पाकिस्तानियों की ज्यादा खुदक रहती है, बिकॉज क्या क्या है ना कि हमने पिछले सालों में
काफी कुछ देखा है हमने यहाँ पे, माओ से उनके बच्चे छिनते हुए देखने को मिले हैं, हमने अपने यंग यूथ में उस जमाने में वही बच्चे आज पता नहीं कहाँ होते, जिन बच्चों के हाथ में जहर के रूप में वो स्टोन्स थमाई गई थी, जिन जिन बच्चों को अगर आपकी कंट्री ये दावा करती है कि हमें कश्मीरियों से मोहब्बत है, तो भाई ये कौन सी मोहब्बत है कि आप बॉर्डर से ड्रग्स भेजोगे, आप वेपन्स भेजोगे, आप किसी छोटे से बच्चे को थ्रू टेररिस्ट किसी छोटे से बच्चे को 15 साल 14 साल बच्चे को हाथ में उनके स्टोन्स थमा के उनको दहशतगर्दी की ओर भेजोगे। और अगर कोई जर्नलिस्ट यहाँ कश्मीर वैली में अपने हुब्बुल वतनी के होने का दावा करता है, अपने हुब्बुल वतनी के होने का जज्बा दिखाता है और वो एक आर्टिकल लिखता है, तो उस बारे में क्या किया जाता है, उस बारे में पाकिस्तानी दहशतगर्द एक खुफिया दहशतगर्द उनकी टारगेट किलिंग करता है। ये कौन सी इंसानियत है आप मुझे बोलो? क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है पाकिस्तान? क्या इन सब चीजों के लिए जो कुछ भी कश्मीर ने या जो कुछ भी इंडिया ने या जिन जिन माओ ने अपने बच्चे खोए सिपाहियों के रूप में जो हमारे इंडिया की रक्षा करते थे बॉर्डर्स पे, क्या इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक इंडियन को नफरत नहीं हो सकती है पाकिस्तानियों की? भाई हमने बहुत जवाबी कार्रवाई की है, हमने ना आपके मसलों में कभी टांग अड़ाने की कोशिश की है, ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टांग अड़ाने की कभी कोशिश की है, बट हम यही चाहते हैं। इवन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित, बलोचिस्तान, वहां के लोग तो क्लियर कट बोल रहे हैं कि हमें भाई आजाद छोड़ दो, तो उनके साथ क्यों जुल्म किया जा रहा है? ऑल आई कैन से कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिफेक्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते ही एक इंडियन पाकिस्तानियों से ही नफरत करता है। इंडिया के अंदर कुछ भी होता है, इंडियन मान लेते हैं कि वो पाकिस्तान ने किया है, इंडियंस प्रूफ भी देते हैं वो पाकिस्तान ने किया है, इंडियन नफरत भी दिखाते हैं कि वो क्योंकि पाकिस्तान ने उसके किया। प्रूफ भी होता है ना, अगर आपके मुल्क में इंटेलिजेंस है तो हमारे मुल्क में 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड्स रहते हैं, हमारे मुल्क में ज्यादा इंटेलिजेंस काम करती है, तो वो भी इस चीज पे रिसर्च करती है कि हमला कहाँ से हुआ, दहशत का सिक्का किसने आजमाया। पाकिस्तान के अंदर पेशावर अटैक हुआ एपीएस के ऊपर, कराची मस्जिद अटैक हुआ, हैदराबाद वाला अटैक हुआ, अब फिर रिसेंटली पिशावर अटैक हुआ, कोयटा अटैक हुआ। मुझे बताओ जो पाकिस्तान के अपने अंदर इतने अटैक्स हो रहे हैं वो उसका इल्जाम फिर किसको देंगे? यहाँ का मीडिया यही बताता है कि इंडिया ने करवाया, यहाँ का मीडिया यही कहता है कि देखिए पाकिस्तान का मीडिया जो बोले, देखिए देखिए पाकिस्तान का मीडिया, पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं। आपको अगर कोई बात बताता है तो आप लोग 110% उससे एग्री कैसे कर सकते हैं? देखिए 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 सुनिए बात, आपका मीडिया जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल मीडिया भी बोले। इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज पे रिसर्च कर चुकी है, आप न्यूज़ें देखिए, आप देखिए बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे क्लियर कट जो है, हम लोग इल्जामात नहीं देते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, हमारे पास प्रूफ होता है, हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा के जितने भी तंजीमें हैं ना वो पाकिस्तान के साथ एफिलेटेड है, और जो ही जब भी हम किसी टेररिस्ट को पकड़ते हैं ना, हमारी एजेंसियां, हमारे जितने भी यहाँ पे सोल्जर्स हैं, जब भी कोई टेररिस्ट जद में आ जाता है ना बॉर्डर से, तो वो क्लियर कट पाकिस्तान का नाम वहां पे क्लियर कट होता है, तो उनके उनसे डिटेंशन सेंटर्स में सच उगलवाया भी जाता है, और वो किस प्रकार से पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशंस भी आती है, ऐसी हमारे इंटेलिजेंस भी वर्क कर रही है, इट्स नॉट लाइक कि हम हवा में तुक्का देते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल मीडिया भी जानते हैं, ये इंटरनेशनली साबित हुआ है कि पाकिस्तान का इंडिया पे दहशत का हमला काफी हद तक चला है, और पाकिस्तानी मीडिया अपने मुल्क में आके, आपकी नेशनल मीडिया अपने मुल्क में आके ये दावा करती है कि इंडिया ने ऐसा किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो इंटरनेशनल मीडिया पे वो चीजें क्यों नहीं दिखाई जाती? बिकॉज हम लोग टोटली एफिलेटेड, वी आर टोटली एफिलेटेड विद आवर कंट्री, विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विद आवर डेमोक्रेसी, वी आर लुकिंग आफ्टर कि हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, हमें कहाँ पे लैग कर हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें कहाँ पे चीजों में बेहतरी लानी लानी चाहिए, बस बतौरे किसी अटैक के, बतौरे किसी टेररिज्म को बढ़ावा देने में। आंसर मी वन थिंग, अगर इंडिया में होने वाले तमाम हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है तो पाकिस्तान में होने वाले हमलों के पीछे किसका हाथ होता है? पेशावर अटैक से लेके कराची और हैदराबाद अटैक्स तक मैंने आपको सब गिनवाए। देखिए ये चीजें देखिए, जिस मुल्क में डिप्लोमेसी और दोगलापन होता है ना, उस मुल्क में कराची हमले, क्योंकि इनके पीछे भी मैं आपको रीजंस बोलती हूँ कि आपके दहशत
जितने भी आपके मुल्क में अटैक्स हो रहे हैं ना, वो आप ही के ब्यूरोक्रेट्स करा सकते हैं, क्योंकि जो आपका वो शाबाज शरीफ, क्या नाम है, मैंने रिसेंटली सुना था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए आटे की बोरियां फेंकी थी और अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए बोला था कि ये लोगों का मसीहा, ये वो है, ये है, आटा फ्री में दिया जा रहा है। भाई वो महंगाई क्यों नहीं कम की जा रही है? तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स ऐसा करते हैं, जिस मुल्क में पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अपने मुल्क में दहशत के हमले भी कर सकते हैं, वो लोग तो कराची में हमले कर सकते हैं, आपके हैदराबाद, जो जो मुझे आपसे जानने को मिला कि आपके मुल्क में कई अटैक्स हुए हैं। तो ऐसे ही शिया जेनोसाइड आप देख सकते हो कि शियाज के साथ कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। 7-8 टीचर्स शिया जेनोसाइड में मारे गए। भाई क्यों? शिया इंसान नहीं होते हैं? आपके मुल्क में एक इस्लाम को टैगलाइन दी गई है, आपके मुल्क में शियाओं को क्यों मारा जा रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे भी तो भाई, यहाँ पे भी तो हिंदू मेजोरिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी किसी चीज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जाता है। हर एक इंसान को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो भाई ओनली पाकिस्तान, वो क्यों ये दहशत के सिक्के अपने मुल्क में भी खेल रहा है और अपने हिंदुस्तान में जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हो वो अब आया है, इससे पहले वो नहीं था। और इससे पहले देखिए, जो इससे पहले भी फ्रीडम फ्रीडम इससे पहले भी था, बट लोगों का माइंडसेट, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि वहां से जितने भी दहशत गर्द आते थे ना, फंडिंग, टेररिस्ट की टेररिस्ट की तंजीमें हमारे लोगों, हमारे बच्चों, हमारे यूथ के दिमागों में वो वो डालना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो वसवसे डालना, वो गंदे वसवसे, जैसे शैतान वसवसे डालता है ना, तो वैसे ही पाकिस्तान वो वसवसे डालने का काम करता था। लेकिन हमारी यूथ एजुकेटेड है, हमारी यूथ समझ रही है। और सेकंड थिंग, आपने फ्रीडम की बात की, तो फ्रीडम तब से ही था जब से महात्मा गांधी ने यहाँ पे फ्रीडम लाया था। जब से हम ब्रिटिश रूल से, जब से हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे, तब से ही इंडिया में फ्रीडम था और अब भी इंडिया में फ्रीडम है और मरते दम तक इंडिया में फ्रीडम रहेगा। How are you this much sure about future of India? Because I am the resident of India, I'm living here and I know I'm facing all the things, all the laws, जो जो के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हम पे लागू कर रही है, मैं ऑल सब कुछ देख रही हूँ। एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया आई एम हैप्पी हियर एंड मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर